गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? वी कैन स्टार्ट, प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर आदित्य, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर राकेश। ओके, सो आज मॉक ट्रेडिंग है, राइट? मॉक ट्रेडिंग है आज, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर एबल टू सी के प्राइजेस लाइव है। बट एसजीएक्स निफ्टी एक बार सबसे पहले देखेंगे। एसजेएक्स निफ्टी कल डेटा आने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डेटा आया था उसके बाद ऊपर गया था। किसी ने ऑब्जर्व किया था, देखा था 17,684 के आसपास था और उसके बाद वापस एसजेएक्स निफ्टी गिरा है, यस और नो? कितने लोगों ने देखा, प्लीज रिप्लाई। 17,684 ये था एसजेएक्स निफ्टी डेटा आने के बाद में, और उसके बाद में एसजेएक्स निफ्टी रात में फॉल हुआ है, गिरा है। अच्छा, मैंने आपको बोला था सॉरी, मैंने आपको बोला था कि अगर ये 17,520 के आसपास कहीं पे क्लोज होता है तो गैप डाउन आपको देखने मिलेगा, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। हैव आई टोल्ड यू दिस? मैंने आपको बोला था ये, प्लीज रिप्लाई। अभी का मत देखो, अभी तो मॉक ट्रेडिंग चालू है, बट गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जस्ट वेट ऑन मिनट, चेक ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है? सो ये वीडियो में हम लोग ऑप्शंस राइटिंग सीखेंगे, करेक्ट? ऑप्शंस राइटिंग, ओके। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी विल लर्न इज एक स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ये शेयर करेंगे यहाँ पे, ऑप्शंस राइटिंग, दैट इज 1 PM स्ट्रेटजी, सेलिंग, ऑप्शंस सेलिंग। ये स्ट्रैटेजी का नाम है 1 PM स्ट्रैटेजी। ओके, अब ध्यान से समझना, पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दूंगा। बट 1 PM स्ट्रैटेजी, 1 PM मतलब आफ्टरनून का स्ट्रैटेजी है, ये बात क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। यहां तक क्लियर है? 1 PM मतलब आफ्टरनून का स्ट्रैटेजी है, मॉर्निंग में आप ये ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है? ओके, हमने फिर ऑब्जर्व कि मेनी टाइम्स 1 PM या 1:30 के बाद मार्केट इधर रिवर्सेस, पूरा रिवर्स हो जाता है, या फिर पूरा वन साइडेड हो जाता है, ट्रेंडेड हो जाता है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाता है, और अगर ऊपर जाके नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो जोर से नीचे आता है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये, प्लीज रिप्लाई। हैव यू ऑब्जर्व? ठीक है, नाउ इसमें प्योरली प्रीमियम बेस्ड सेलिंग करना है, ठीक है? इसमें इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, डजंट मैटर, प्योर प्रीमियम बेस्ड सेलिंग। यू डोंट हैव टू सी चेक इन द मनी और ATM और OTM, ठीक है? आपको इन द मनी है, स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, डजंट मैटर। सिर्फ आपको प्रीमियम बेस्ड पे सेलिंग करना है, प्योर प्रीमियम देखकर। सो आर यू ऑल रेडी? प्लीज रिप्लाई। थोड़ा सा स्ट्रेटजी ट्रिकी है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना, ठीक है? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी सबको याद है, बट वो आपको देखना नहीं है। प्योर प्रीमियम बेस्ड सेलिंग है, 1 PM स्ट्रैटेजी है, 1 बजे ही आपको, 1 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है, 1 बजे के पहले नहीं लेना है, ठीक है? ओके, ध्यान से देखना ये वीडियो, ध्यान से देखना यहां से। अगर आपको ऑप्शंस राइटिंग में करियर बनाना है तो दिस इज अ वेरी गुड वीडियो, ठीक है? नाउ
प्लीज विल मेक अ टेबल, प्लीज सी दिस टेबल वेरी केयरफुली। हाँ, एक टेबल हम लोग बनाएंगे। स्टार्ट प्रीमियम, स्टार्टिंग प्रीमियम एक्चुअली ऐसा लिखते हैं, स्टार्टिंग प्रीमियम। इफ फॉल्स बिलो देन एक्शन, ओके। स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी होगा, एंड टारगेट। ये मॉक ट्रेडिंग है, मॉक ट्रेडिंग मिस्टर आंसर, सैटरडे को होता है ना मॉक ट्रेडिंग, वो चल रहा है। लाइव कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, मॉक ट्रेडिंग है वो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा, रुको, इसको मुझे थोड़ा सा ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कॉलम को डिलीट कॉलम, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग टेबल बनाते हैं, सबसे पहले इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग प्रीमियम, इफ प्रीमियम फॉल्स बिलो, यहाँ पे इफ फॉल्स बिलो मतलब इफ प्रीमियम फॉल्स बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, इफ प्रीमियम फॉल्स बिलो। मैं टेंशन में आ गया, टेंशन में क्यों आना है, सैटरडे को मार्केट चालू ही नहीं होता है, मॉक ट्रेडिंग है, एकदम सिंपल है। एसजीएक्स निफ्टी देखो ना, ये रहा 17,500, टेंशन में क्यों आना है, ये रहा 17,500 एसजीएक्स निफ्टी। ठीक है, सो ये पहले समझ में आ रहा है क्या, स्टार्टिंग प्रीमियम एंड इफ प्रीमियम फॉल्स बिलो, ये समझ में आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कुछ भी प्रीमियम होगा, लेकिन अगर वो प्रीमियम पर्टिकुलर प्रीमियम से नीचे जा रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। इतना समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। ऑप्शंस राइटिंग सेलिंग स्ट्रेटजी, और ये 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद काम आएगा। ठीक है, 17,700 गया था, मैं बंद कर दिया देखने के बाद रात को 9 बजे। हाँ, 17,700 गया था बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा जो आया था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके बाद में वापस एसजीएक्स निफ्टी रात को नीचे आ गया। और अगर आपको याद है, मैंने आपको बोला भी था, 99% श्योर हूं मैं, 17,520 के आसपास कहीं पे अगर क्लोजिंग हो रहा है तो मंडे को गैप डाउन होगा, यस और नो? कल भी मेरा आफ्टरनून में यही वर्ड था, आफ्टरनून वेबिनार में, आज भी मेरा वर्ड सेम है। ठीक है, मैंने आपको एकदम क्लियर बोला था, 17,520 के आसपास कहीं भी क्लोजिंग हो रहा है, 99% श्योर हूं गैप डाउन होगा मंडे को, यही मैंने बोला था और आज भी मैंने आपको यही बोला है, करेक्ट? ध्यान से देखना, ऑप्शंस राइटिंग सेलिंग स्ट्रेटजी, ये एवरीडे यूज हो सकता है, आंसर इजी है, एवरीडे यूज होगा। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, अभी आपको आंसर करना है, फ्राइडे को थीटा डीके ज्यादा होता है क्या, या ट्यूजडे वेनेसडे को ज्यादा होता है? थीटा डीके ज्यादा कब होता है, थीटा डीके ज्यादा कब होता है? तो अगर मैं ये स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहा हूं, फ्राइडे को मुझे कम क्वांटिटी करना चाहिए, वेनेसडे थर्सडे को ज्यादा क्वांटिटी करना चाहिए, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। फ्राइडे को मुझे कम क्वांटिटी करना चाहिए, बट वेनेसडे थर्सडे को मैं ज्यादा क्वांटिटी कर सकता हूं, ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे, वट एवर, 3 दिन, करेक्ट? ध्यान से देखना, अभी कॉल और पुट विच वी हैव टू सेल, कॉल और पुट। ठीक है, ज्यादा मतलब और ये, तो फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल मिस्टर आंसर, ज्यादा मतलब कम मतलब हर एक ट्रेडर के लिए अलग अलग क्वांटिटी होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल आंसर दे रहा हूँ, फ्राइडे को अगर मैं 1 लॉट कर रहा हूँ तो वेनेसडे थर्सडे को मैं 2 लॉट करूंगा, इज दैट पार्ट क्लियर? फ्राइडे को अगर मैं 1 लॉट कर रहा हूँ तो ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे को ये स्ट्रेटेजी में डबल करूंगा, डबल क्वांटिटी।
फ्राइडे को अगर मैं 2 लॉट करता हूँ तो ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को मैं 4 लॉट में कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 1 PM स्ट्रेटेजी नाम है, प्योर प्रीमियम सेलिंग। यू डोंट हैव टू चेक इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। कॉल हो चाहे पुट हो, डजंट मैटर, ठीक है। उसका स्टार्टिंग प्रीमियम ये होना चाहिए, और अगर प्रीमियम ये हो रहा है तो एक्शन वी विल सेल। सिंपल है, प्लीज रिप्लाई। यहां तक टेबल समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी का नहीं बता रहा, एक बार मैं सिर्फ निफ्टी का बता रहा हूं। ये टेबल जो है ना, एक बार सिर्फ मैं निफ्टी का बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी इन निफ्टी। अभी तक मैंने बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ ट्रेड किया नहीं है ये, ठीक है। तो चलेगा, निफ्टी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं नहीं दे रहा एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी का बाद में दूंगा, ठीक है। 150 जिसका प्रीमियम है, 150, अगर 150 वाला प्रीमियम कॉल या पुट, डजंट मैटर, कॉल हो चाहे पुट हो, कुछ भी हो, 150 रुपए वाला कॉल या पुट अगर 120 के नीचे जाने लगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 150 वाला, 150 वाला कॉल या 150 वाला पुट ऑप्शन 120 के नीचे जाने लगा, 1 बजे के बाद 120 के नीचे जाने लगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। प्लीज रिपीट, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 बजे 1 बजे आपने देखा कि 17,600 का कॉल ऑप्शन 150 था, ठीक है। 1 बजे आपने देखा कि 115 को 15 मिनट बाद में वही कॉल ऑप्शन का प्राइस 150 वाला 120 हो गया, तो प्रीमियम 120 के नीचे जाने लगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सेल करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। सिमिलरली 100 रुपए वाला अगर 70 हो रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। 130 को भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, 2:30 बजे भी हो सकता है, जब भी हो। 150 वाला अगर 120 हो रहा है, मैं सेल करूंगा। एकदम सिंपल है। पॉसिबल है 1 बजे प्रीमियम 150 हो और 2:30 बजे प्रीमियम 120 हो, वो भी पॉसिबल है। बट 150 वाला अगर 120 हुआ तो मैं सेल करूंगा। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 150 वाला अगर 120 हुआ मैं सेल करूंगा, 100 वाला अगर 70 हुआ मैं सेल करूंगा, 50 वाला अगर 30 हो रहा है मैं सेल करूंगा। इज दिस पार्ट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? वॉच लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, करेक्ट। वॉच लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, वॉच लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, राइट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से स्टॉप लॉस कितना परसेंट, टारगेट कितना परसेंट, ध्यान से देखना। आर यू ऑल रेडी? प्लीज अप्लाई। Are you all ready? ठीक है। स्टॉप लॉस होगा जो जो प्रीमियम में आपने सेल किया है। अरे अगर 1 बजे बाद अगर वो बंद बढ़ गया तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो मैं देखूंगा भी नहीं। क्वेश्चन पहले पूछ लो, चलो पहले क्वेश्चन पूछ लो। मिस्टर आरती पाटिल, 150 वाला 160 अगर हो रहा है तो मेरे स्ट्रैटेजी में सेल आ रहा है क्या? जो मैंने ट्रेड सिखा रहा हूं अभी उसके हिसाब से सेल आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 150 वाला 120 होगा तभी सेल करना है। 150 वाला 160 हो रहा है, 170 हो रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा ना। समझ में आ रहा है आरती पाटिल? कॉल हो चाहे पुट हो, डजंट मैटर, आपको प्रीमियम वॉच करना है, आपको प्रीमियम वॉच करना है। मिस्टर आंसर, इट्स अ प्योर प्रीमियम बेस्ड स्ट्रैटेजी। प्लीज रिप्लाई। ध्यान से देख लो, समझ लो, प्योर प्रीमियम बेस्ड स्ट्रैटेजी है।
मार्केट वॉच बनाना पड़ेगा, आंसर इज यस। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के कुछ स्ट्राइक प्राइस का आपको मार्केट वॉच बना के ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें 150 वाला अगर 120 हुआ तो मैं सेल करूंगा, 100 वाला अगर 70 हुआ, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, मैं सेल करूंगा, 50 वाला अगर 30 हुआ मैं सेल करूंगा। इज दिस पार्ट क्लियर? प्रीमियम टूट रहा है तो इसके हिसाब से मैं सेल करूंगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से देखना, स्टॉप लॉस विल बी 50%, टारगेट विल बी 50%। ध्यान से देखना, जिस प्राइस में आपने सेल किया है 120 में, तो स्टॉप लॉस 180 हुआ एंड टारगेट 60 हुआ। यस और नो प्लीज रिप्लाई, समझ में आ रहा है? जिस प्राइस में आपने सेल किया है, स्टॉप लॉस हुआ 105, टारगेट हुआ 35, स्टॉप लॉस हुआ 45, टारगेट हुआ 15। क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर आदित्य, मिस्टर धीरज, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ये नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये अभी मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, एक्चुअली ट्रेड कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग ट्रेड इन बैंक निफ्टी, बट आई हैव ट्राइड दिस स्ट्रेटजी इन निफ्टी एंड इट इज वर्किंग। वी विल सेल ऑल थ्री। यस, यू कैन सेल ऑल थ्री, ईच वन वन लॉट और ईच टू टू लॉट्स। आप तीनों स्ट्राइक प्राइस भी सेल कर सकते हो एक एक लॉट, या तीनों स्ट्राइक प्राइस भी दो दो लॉट सेल कर सकते हो, पांच पांच लॉट भी सेल कर सकते हो। बट पहले स्ट्रेटेजी को समझो, मन में ट्रेड मत करना स्टार्ट करो। मिस्टर दिवेनिवार, आप जो मन में ट्रेडिंग कर रहे हो ना अभी, वो बंद करो, पहले स्ट्रेटेजी को समझो, ठीक है? ट्रेड बाद में कर लेना, मंडे को कर लेना, ठीक है? स्ट्रेटेजी को समझो पहले। प्रीमियम कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रीमियम कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? स्टॉप लॉस टारगेट समझ में आ रहा है? स्टॉप लॉस टारगेट समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर 60 प्राइस आ गया, जरूरी नहीं मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मैं 315 तक भी होल्ड रख सकता हूं, पॉसिबल है? जरूरी नहीं मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मैं 315 तक भी होल्ड रख सकता हूं ना। तो जरूरी नहीं मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मैं 315 तक भी होल्ड रख सकता हूं। बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? एक काम करेंगे, बैंक निफ्टी आज नहीं कवर करेंगे, बैंक निफ्टी नेक्स्ट सैटरडे को कवर करेंगे, बिकॉज पीपल विल गेट कंफ्यूज। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में सिखाऊंगा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट सैटरडे को कवर करेंगे, बट ये पहले इसका टेबल, इसका फोटो ले लो, एक तो इसका फोटो ले लो। ट्रेड फेवर में गया तो एसएल कॉस्ट में लाना है या नहीं? एसएल कॉस्ट में लाना है, वो सब तो रूल लगेगा ही लगेगा, वो सब तो रूल है ही है। ट्रेड फेवर में जा रहा है तो एसएल कॉस्ट में लाना ही है, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, एक थोड़ा एडवांटेज कर सकते हो, आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप एसएल कॉस्ट प्राइस पे लेके आ जाओ और 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करके छोड़ दो, वो भी आप कर सकते हो। लॉजिक समझ में आया क्या? फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले इसका एक फोटो ले लो, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, फिर मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ, एंड टेल मी आर यू ऑल रेडी। फोटो ले लो, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस इन अ मोबाइल फोन, व्हाट टाइम वी हैव टू टेक दिस स्ट्रेटजी, आफ्टर 1 PM। यहाँ पे मैंने नाम भी दिया हुआ है 1 PM स्ट्रेटजी, 1 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है, उसके पहले नहीं लेना है, 1 बजे के बाद ट्रेड लेना है। आर यू ऑल रेडी? एग्जाम्पल दू चार्ट्स पे? देखें एग्जाम्पल, रेडी हो? चलो चार्ट पे एग्जाम्पल देखते हैं। सो मैं यहां पर सिर्फ 15 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा, ठीक है? एंड 1 बजे का कैंडल हम लोग देखेंगे, 1 बजे का। तो 30 अगस्त का 1 बजे का कैंडल ये है, ठीक है? 30 अगस्त का 1 बजे का कैंडल, प्राइस चल रहा है 17,600, ठीक है? तो 17,600 का पी हम लोग देखते हैं, निफ्टी 17,600 का पी।
30 अगस्त, ये रहा, ये तो 200 रुपये वाला है प्रीमियम, 200 वाला नहीं है, हमें 150 वाला चाहिए, तो 17,500 का देखते हैं। चलो इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, तो 17,500 वाला देखते हैं। ये रहा, 1 बजे चल रहा था ये, 120, अच्छा 124 चल रहा था, ठीक है। एंड इसके बाद ये 100 वाला जैसे 70 हो रहा है, तो 120 वाला 100 होगा तो भी चलेगा ना, प्रीमियम गिरना चाहिए, 1 बजे के बाद प्रीमियम गिरना चाहिए। ध्यान से देखो, 1 बजे बाद हमें ट्रेड लेना है यहां पर, 1 बजे बाद प्रीमियम गिरना चाहिए, 1 बजे के बाद 125 वाला अगर 100 हुआ तो मैं सेल करूंगा, आंसर इज यस, सेल करूंगा। और उसके बाद क्लोजिंग आया 70 के आसपास, तो पैसा आता क्या? आता, लेकिन उतना परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, तो और देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उतना परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट ये आपको लाइव में अप्लाई करोगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइव में एग्जांपल ध्यान से समझो, ये नहीं, ये नहीं, सेल वाला हमें देखना है ना, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये देखो मिस्टर आंसर, ये देखो यहाँ पे 150 वाला, 150 वाला कितना, 120 हो रहा है, तो 120 हुआ, यस 120 हुआ, तो दिस इज आवर सेल कैंडल, यस और नो प्लीज रिप्लाई। ये हमारा सेल है, ये तो 9:15 को आ गया, तो ये सेल भी नहीं है, ये सेल नहीं है, ट्रेंडेड डे के दिन काम करेगा ये, यस। ये साइडवेज डे के दिन इतना काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रेंडेड डे के दिन आपको काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक्चुअली पुराना डेटा नहीं आ रहा है ना, इसीलिए 1 PM वाला डेटा आ जाए ना तो समझ में भी आए। एक सेकंड रुको, फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। पुराना ऑप्शंस का डेटा नहीं आएगा ना इसमें, जैसे 1 सितंबर का एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा ना, वो बात है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वरना तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से लाइव एग्जांपल ही देख के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना 1 सितंबर का डेटा नहीं आ रहा है ना इसमें, 1 सितंबर का डेटा नहीं आ रहा है, 1 सितंबर का डेटा आपको दूसरे वेबसाइट से कहीं से देखना पड़ेगा, दूसरे वेबसाइट से देखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट मंडे? मंडे से ही ये स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना है, आपको ये स्ट्रैटेजी मंडे से ही अप्लाई करना है, एक एक लॉट में ट्रेड करो चलेगा। फॉर 1 or 2 days व्हेन यू टेक ट्रेड आप हमें बता दो। हाँ मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पुराने वेबसाइट का, पुराने ऑप्शंस का डेटा सब पेड वेबसाइट पे मिलेगा, करेक्ट करेक्ट, बट लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। ये पुराना एक्चुअली आपको डेटा ना 1 सितंबर का जैसे आपको पेड वेबसाइट्स पे मिलेगा, बट लॉजिक समझ में आ रहा है? जितने भी ऑप्शंस राइटर्स है, ऑप्शंस ट्रेडर्स है, उनको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अप्लाई, और स्टार्टिंग में आपको एक एक लॉट में ही अप्लाई करना है। बैक टेस्ट तो मैंने नहीं किया है, मैंने एक्चुअल रियल ट्रेडिंग लिया है, एक एक लॉट से पिछले 1.5 month से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट अच्छा है। जब ट्रेंडेड आता है ना मार्केट, उस दिन बड़ा प्रॉफिट बनता है इसमें, या फिर जब मार्केट 1 बजे बाद गिरता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी ऑप्शंस का प्राइस उस टाइम का क्या था वो तो आपको डेटा मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे वो 1 बजे बाद अभी थर्सडे को हुआ था ना, कौन से थर्सडे को हुआ था, 1 बजे बाद बहुत जोर से गिरा था, अगर आपको याद है। हाँ ये 1 बजे बाद गिरा था ना, ये देखो यहाँ पे मिस्टर आंसर, देखो ये 1 बजे का कैंडल है, दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको कॉल सेल वाला ट्रेड जरूर मिला ही होगा, देखा 1 बजे वाला कैंडल है, तो यहाँ पे आपने एट द मनी कॉल सेल किया होगा, 150 रुपये वाला 120 हुआ तो, एंड यू कैन सी हियर वो सीधा जीरो ही हुआ रहेगा, वो सीधा जीरो ही एक्सपायर हुआ रहेगा 120 वाला, समझ में आ रहा है मिस्टर आंसर, मिस्टर दिव्य निवार, समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई।
वो सीधा जीरो हुआ होगा। करेक्ट, 150 वाले को ट्रैक करना है, जो 120 हुआ उसको बेच देना है। करेक्ट, 150 वाला 120 हुआ तो आपको सेल करना है 180 के एसएल के साथ। बराबर, फर्स्ट टारगेट होगा 60 का टारगेट, और 60 भी ब्रेक कर रहा है तो उसको छोड़ दो, फिर 3:15 बजे तक छोड़ दो। बट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है ये मिस्टर आंसर, इसमें कैरी कुछ भी नहीं है। ये बात क्लियर है क्या? नहीं, थर्सडे हो चाहे वेनेसडे हो चाहे ट्यूसडे हो चाहे कुछ भी हो, कैरी नहीं करना है, इंट्राडे, प्योर इंट्राडे। थर्सडे था इसलिए वो कॉल जीरो हो गया। इतना समझ में आ रहा है? थर्सडे था क्योंकि थर्सडे था तो कॉल जीरो हो गया। करेक्ट, थर्सडे था इसीलिए वो कॉल जीरो हो गया, बिकॉज एक्सपायरी डे था। तो 120 वाला कॉल अगर आपने सेल किया और वो जीरो हो गया, तो इज इट अ गुड प्रॉफिट, यस और नो? इंट्राडे में इज इट अ गुड प्रॉफिट, कैन आई से दैट? यस आई कैन से दैट, राइट? अच्छा मिस्टर दिवेनिवार, आपसे मैं वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 150 वाला 120 हुआ तो सेल करोगे, साथ में 100 वाला 70 हुआ तो भी सेल करेंगे, और 50 वाला 30 हुआ तो भी सेल करूंगा? यस, तो तीन चार स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड लोगे, ऑल थ्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन है, थर्सडे तो 150 तो इन द मनी है, इन द मनी हो चाहे डजंट मैटर, एकदम सिंपल समझो। एज दे मूव फास्ट, ये स्ट्राइक प्राइस का भाव मिलेगा कहाँ? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? आप एक काम करो, ऑप्शन चेन ही ओपन करके रखो, ऑप्शन चेन ही ओपन करके रखो। मार्जिन बहुत लगेगा, मार्जिन बहुत लगेगा, बट ऑल आर ट्रेड्स आर एमआईएस ऑर्डर, तो आपको इतना मार्जिन नहीं लगेगा, बिकॉज एमआईएस ऑर्डर है। और अगर आपको मार्जिन का प्रॉब्लम है तो कोई एक स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करो, तीनों मत करो। आरती पाटिल, अगर आपके पास मार्जिन का दिक्कत है तो जरूरी थोड़ा ना है तीनों में करना है, एक ही स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करो। बट स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट, स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है। और देखते हैं, चलो एग्जांपल और देखते हैं, और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? और एग्जांपल देखते हैं, 1 पीएम वाला स्ट्रैटेजी देखेंगे हम लोग, बाकी कुछ नहीं, 1 पीएम वाला, ठीक है? 1 बजे का स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं, 1 बजे के बाद हमें मूवमेंट चाहिए ट्रेंडेड, तो हमारा काम होगा। ये रहा, यहां पे आपको डेफिनेटली ट्रेड मिला होगा, यहां पे ये दिन भी आपको ट्रेड मिला होगा, 1 बजे, 1 बजे का कैंडल ये है, उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट आया है 3:15 तक, यहां पे आपको ट्रेड मिला होगा क्या पी सेल का? प्लीज रिप्लाई। 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना हुआ है मुझे ट्रेड करते हुए सदीवे नेवार, रिजल्ट ठीक ठाक है, उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है या उतना ज्यादा खराब भी नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, पैसा बन रहा है, नेट ऑफ में पैसा बन रहा है। बट यहां पे आपको पी सेल ट्रेड मिला होगा, यस और नो? पी सेल ट्रेड मिला होगा, यस और नो? 1 बजे का कैंडल है, 150 वाला पुट आपने सेल किया होगा अगर वो 120 ब्रेक कर रहा है तो, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये स्ट्रैटेजी एक और मैं आपको बता दूं, जब इवेंट है तो और ज्यादा पैसा देता है, व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? ये स्ट्रैटेजी जब इवेंट है तो और पैसा देता है, व्हाई? क्यों? कैन एनीवन टेल मी? इवेंट है तब और पैसा देता है, व्हाई? इवेंट है तब और पैसा देता है इसीलिए, बिकॉज इवेंट के दिन मार्केट ट्रेंडेड हो जाता है, ठीक है? इवेंट के दिन मार्केट ट्रेंडेड हो जाता है इसीलिए। अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, 1 बजे पॉजिटिव कैंडल बना है तो आपने पी सेल किया होगा, वो थोड़ा फेवर में भी गया,
लेकिन 2:30 बजे बाद वापस मार्केट गिरा, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। आपने 120 में सेल किया होगा, 100 रुपए तक गया होगा वो पुट ऑप्शन, पर उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन पूछ लो, जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, पहले ही पूछ लो। इवेंट में मूवमेंट ज्यादा होता है, बराबर। एट दिस हैज टू बी सेम वीक एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस। यस, ऑब्वियसली यस। सेम वीक वाले में करोगे तभी आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा ना। नेक्स्ट वीक वाले में करोगे तो थीटा डीके बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। 1 बजे आपने पुट सेल किया, 2:30 बजे मार्केट रिवर्स, 2:30 बजे के बाद मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट यहाँ पे 3:15 कैंडल ये है, तो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला रेड कैंडल नेक्स्ट डे का है, आरती पाटिल। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, पैसा आया, ये ट्रेड में भी पैसा आया है, यस सर, आंसर। ये ट्रेड में भी पैसा आया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा, गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेल किया है और यहाँ पे ये कैंडल पे क्लोजिंग हुआ है। सक्सेस रेशियो कितना है? सक्सेस रेशियो 10 में से आपका 7 से 8 ट्रेड पैसा देगा, 7 to 8 ट्रेड। और अगर आप ये स्ट्रेटजी फ्राइडे को नहीं करते, ट्यूसडे वेनेसडे को करते हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि थीटा डीके बेनिफिट आपको एडवांटेज रहता है, ठीक है। तो थीटा डीके का एडवांटेज के कारण आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे 1 बजे का कैंडल है, उसके बाद फॉल आना स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली आपको कॉल सेल का ट्रेड मिला होगा, एंड यू कैन सी हियर, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करो, अगर आपको सक्सेस रेशियो अच्छा चाहिए तो सिर्फ 3 दिन काम करो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सिंपल। बट लॉजिक क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई। स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगा, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई, राइट। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, डायरेक्टली पूछ लो। कोई भी क्वेरी है, चलो मैं आपको एकदम सिंपल और लॉजिक समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से, ध्यान से। ओटीएम में भी करना है, इन द मनी भी कर सकते हैं। सी, ओटीएम, इन द मनी, एट द मनी, कौन सा स्ट्राइक है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे इतना मतलब है कि 150 वाला 120 हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा ऑप्शंस राइटर वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग पोजीशंस बना रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। 150 वाला अगर 120 हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा ऑप्शंस राइटर प्लेयर वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग पोजीशंस बना रहा है, यस और नो? 150 वाला 120 हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा ऑप्शंस राइटर प्लेयर उस पर्टिकुलर कॉल या पुट में सेलिंग पोजीशंस बना रहा है, यस और नो? 100 वाला कॉल अगर 70 हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉल सेल कर रहा है और बड़ा प्लेयर कॉल सेल कर रहा है, तभी तो प्रीमियम टूट रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एकदम सिंपल लॉजिक है, सिंपल कंसेप्ट है, इंट्राडे में ही यूज करना ही है, स्ट्रिक्टली इंट्राडे, कैरी कुछ नहीं करना है, स्ट्रिक्टली इंट्राडे, ठीक है। 50 वाला, 50 रुपए वाला अगर पुट ऑप्शन 30 रुपया हो रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग पोजीशंस बना रहा है पुट में, और अगर थर्सडे है तो हायर चांस है ये 50 वाला जीरो हो जाएगा, यस और नो? प्लीज रिप्लाई मिस्टर देवेनवार। समझ में आ रहा है? 50 वाला 30 हो रहा है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर घुसा है, सेलिंग पोजीशंस बना रहा है उसमें, और वो 30 वाला भी जीरो हो जाएगा, मिस्टर आंसर। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? आर यू लर्निंग समथिंग न्यू कंसेप्ट टुडे? आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? कुछ नया चीज सीखने मिला क्या आपको आज? नया चीज सीखने मिला? तीनों प्रीमियम सेल करना या कोई एक कर सकते हैं, आपके मार्जिन के ऊपर है ना मिस्टर सोहन साहू? मिस्टर सोहन साहू, आपके मार्जिन के ऊपर है। अगर आपके पास मार्जिन का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तीनों स्ट्राइक प्राइस एक एक लॉट सेल कर दूंगा, और ज्यादा मार्जिन है तो तीनों स्ट्राइक प्राइस दो दो लॉट सेल करूंगा। अगर मेरा नाम मिस्टर दिव्य नेवार है तो मैं तीनों स्ट्राइक प्राइस पांच पांच लॉट सेल करूंगा,
समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास मार्जिन है तो मैं तीनों स्ट्राइक प्राइस पांच पांच लॉट सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस और टारगेट समझ में आ रहा है? स्टॉप लॉस और टारगेट समझ में आ रहा है? बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी के बाद 1.5 लाख बचता है, जो भी बचता है आप एक एक लॉट में कर कर सकते हो ट्रेड, और एक एक लॉट में ये ट्राई जरूर करना, बट 1 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है। ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम आपका 1 बजे के बाद का होना चाहिए, ठीक है? ट्रेंडेड डे के दिन, आरबीआई पॉलिसी डे के दिन, या फिर कोई इवेंट है, बजट है, तब ये स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करेगा, तब ये स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करेगा। बट स्टॉप लॉस टारगेट एकदम क्लियर है। इसका फोटो ले लो, मोबाइल में फोटो ले लो, और जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हो उसके बाजू में एक प्रिंट आउट लेकर चिपका दो तो भी चलेगा, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, ठीक है? कलर प्रिंट आउट निकालो और प्रिंट आउट लेकर आपके ट्रेडिंग सेटअप के बाजू में चिपका दो। बट लॉजिक एकदम क्लियर है। 100 रुपए वाला पुट ऑप्शन अगर 70 हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई सेलर आया है उसमें, कोई ना कोई वो पर्टिकुलर पुट स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉलो दैट सेलर। एकदम सिंपल है, ठीक है? ट्रेड हमें ये प्रीमियम पे लेना है। यस, ट्रेड हमें ये प्रीमियम पे लेना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्रीमियम के नीचे जाएगा तब ट्रेड लेना है, ठीक है? स्टार्टिंग प्रीमियम ये हो चलेगा, बट 150 वाला। अच्छा, अब मैं आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, तो चलो तो मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू हैव टू आंसर। 12:45 को या 12:40 को 17,600 का कॉल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? 154 है और 120 को 119 हो गया, तो मुझे सेल करना चाहिए क्या? तो मैं सेल करूंगा क्या? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। 17,600 को, 17,600 का कॉल 154 था 12:30 बजे, 1:20 को 119 हो गया, मैं सेल करूंगा? आंसर इसी है, से मैं करूंगा सेल, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम 1 बजे बाद का है, तो आंसर इसी है, से मैं करूंगा, करेक्ट? मेरा टारगेट कितना होगा? 60 का मेरा टारगेट होगा एंड 180 विल बी माय स्टॉप लॉस। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। एकदम सिंपल, हाँ 20% डीके हुआ। इसका मतलब क्या? कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आया है और ये स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग कर रहा है, तभी प्रीमियम टूटेगा ना, तभी प्रीमियम टूटेगा, राइट? लॉजिक एकदम क्लियर है। कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं मंडे से एक एक लॉट में? कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं मंडे से एक एक लॉट में? सोच लो आराम से। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। सोच लो आराम से, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, बट आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है। बस मंडे से कर सकते हो, हाँ ट्यूजडे से करना है ट्यूजडे से करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ट्यूजडे से करना है ट्यूजडे से करो, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। चाहिए तो इसका भी फोटो ले लो, इसका भी फोटो ले लो, इसका भी फोटो ले लो, चाहिए तो पिक ले लो एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन।
If it is 1240, it is 150, but by 1 PM it is 60. We will have to leave it, right? हाँ, अगर 15 मिनट में 150 वाला 60 हो गया, आपको मौका भी नहीं मिला सेलिंग करने का, तो आप छोड़ दोगे उसको. करेक्ट करेक्ट, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली. 90% ऑफ द टाइम्स बिगर मूव कम्स आफ्टर 1 PM. हैव यू ऑब्जर्व दिस मिस्टर दिवेनवार? वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. 90% ऑफ द टाइम्स बिगर मूव कम्स आफ्टर 1 PM, देन वी शुड लुक फॉर अनदर स्ट्राइक. यस, दूसरा स्ट्राइक प्राइस देखना है. इसका फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन. इसका फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन. व्हाई नॉट फ्यूचर? फ्यूचर तो करना ही नहीं है सर. कीर्ति कीर्ति जोशी, फ्यूचर नहीं करना है. अब समझो यहां पर, चलो ठीक है. अगर मार्केट लेट से 154 वाला 119 हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया. सर कीर्ति जोशी, प्लीज लिसन दिस, मार्केट साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया, तो भी ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपको पैसा देगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके, बट फ्यूचर आपको पैसा नहीं देगा. समझ में आ रहा है कीर्ति जोशी? 154 वाला 119 हुआ, आपने सेल कर दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया, स्टिल दिस दिस ऑप्शन विल गिव यू सम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ थीटा डीके, बट फ्यूचर में आपको थीटा डीके नहीं मिलेगा. अब समझ में आ रहा है मैं फ्यूचर क्यों नहीं कर रहा? प्लीज रिप्लाई, समझ में आ रहा है? वेनेसडे है, 119 वाला मार्केट साइडवेज रहा तो भी 90 रुपये हो जाएगा क्या? मिस्टर आंसर, 119 में सेल किया है, मार्केट साइडवेज है वेनेसडे को, तो भी 90 रुपये तो हो ही जाएगा 3 बजे तक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एकदम सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, स्ट्रेटेजी क्लियर है? फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो और मंडे ट्यूजडे से अप्लाई करना चालू करो एक एक लॉट में. अच्छा चीज सिखा रहा हूं मैं, अच्छा चीज सिखा रहा हूँ, राइट नॉलेज सिखा रहा हूँ. ये मैंने अप्लाई करना चालू किया है, 1.5 मंथ हुआ है, रिजल्ट इज गुड. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, ठीक है. इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये स्टॉप लॉस भी क्लियर है, टारगेट भी क्लियर है, फोटो ले लिया इसका, प्लीज रिप्लाई. स्टॉप लॉस भी क्लियर है, टारगेट भी क्लियर है, फोटो ले लिया, प्लीज रिप्लाई. करेक्ट है? अच्छा, अभी ध्यान से समझो, ध्यान से. मैं थोड़ा सा बाय ऑप्शंस वाई, बाय ऑप्शंस वाई मतलब समझा नहीं, सेल ऑप्शंस है, बाइंग ऑप्शंस, ऑप्शंस बाइंग का वेबिनार नहीं है ये मिस्टर हितेश पटेल. ऑप्शंस बाइंग का वेबिनार बाद में आएगा, मैं आपको अलग ऑप्शंस बाइंग की भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, बट ये वेबिनार स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है, ठीक है. ये वेबिनार, वापस बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है, ठीक है, स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है. करेक्ट, ऑप्शंस बाइंग का भी कुछ भी बात मत करो, ऑप्शंस बाइंग के वेबिनार्स आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला सैटरडे, एवरी सैटरडे, या फिर हम लोग महीने में एटलीस्ट 2 या 3 वेबिनार, लर्निंग वेबिनार करेंगे जिसमें नए नए कंसेप्ट कवर होंगे, ठीक है. जैसे आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, वैसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे. एवरी मंथ 2 से 3 वेबिनार मिनिमम होंगे, ठीक है. स्ट्रैटेजी क्लियर है? प्लीज कंफर्म, एकदम क्लियर है? स्टॉप लॉस टारगेट एकदम क्लियर है? चलो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वापस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करने के लिए. 145 वाला अगर 115 हुआ तो भी मैं सेल करूंगा क्या? इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, नहीं, 1 बजे के बाद ट्रेड लेना है. 145 वाला 115 हुआ तो भी सेल करेंगे? आंसर इज यस, आंसर इज यस. 100 रुपए वाला 90 हुआ तो सेल करना है क्या? 100 रुपए वाला कॉल या पुट 90 हुआ, 90 हुआ, 90 हुआ, सेल करूंगा? नहीं करूंगा, उसको 70 ब्रेक होने दो. समझ में आ रहा है? करेक्ट. 50 वाला 30 हुआ सेल करना है? 50 वाला 30 हुआ सेल करेंगे?
करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चलो, और थोड़ा ये करते हैं, ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। एक्सपायरी डे के दिन 2:30 बजे के बाद में, ध्यान से सुनना, 2:30 बजे के बाद में, 2:30 के बाद में 100 वाला अगर 70 हुआ तो हायर चांस है वो 0 हो सकता है। मिस्टर आंसर खलीफा, मिस्टर दिव्य निवारा, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, बहुत ही काम की चीज सिखा रहा हूं। थर्सडे को 2:30 बजे 100 वाला अगर 70 हो रहा है, हायर चांस है वो 0 हो सकता है, एग्री और नॉट? हायर चांस है वो 0 हो सकता है, एग्री और नॉट? अब मजा आ रहा है स्ट्रेटजी में, अब मजा आ रहा है। करेक्ट। एट व्हाट टाइम ओरिजिनल प्रीमियम रेट शुड बी वॉच्ड? प्रीमियम रेट ओरिजिनल आपको 1 बजे से या 12:30 से आपको वॉच करना स्टार्ट कर देना है, बट ट्रेड आपको एग्जीक्यूशन जो है वो 1 बजे के बाद ही होगा, ठीक है? ट्रेड एग्जीक्यूशन 1 बजे के बाद ही होगा। और कोई डाउट है पूछ लो, बिंदास पूछ लो, गलती मत करना, ठीक है? गलती मत करना, समझ लो अच्छे से स्ट्रेटजी, ठीक है? मैंने कई बार, 2-3 बार मैंने ऐसे किया है, मैंने थर्सडे को 245 को ट्रेड लिया है, 71 रुपीज में पी सेल किया और वो 0 हुआ है, 0 पे काटा है मैंने। क्वांटिटी मैंने ज्यादा नहीं किया, 3 लॉट ही किए थे, बट वो 0 पे काटा है, 71 वाला 0 पे काटा है। At 12 PM, if premiums is 150, and at 12:30 it is 120, we will not take the trade. Simple. क्योंकि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम 1 बजे के बाद होना चाहिए। परफेक्ट है, एकदम क्लियर है। ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम 1 बजे के बाद होने वाला है। 100 वाला 90 वी कैन सेल, नो वी कैन नॉट सेल। 100 वाला 70 ब्रेक होगा तो सेल करना है। सर हितेश पटेल, 100 वाला 90 हुआ वी कैन नॉट सेल, 100 वाला 70 होना चाहिए कम से कम तो सेल करना है। अरे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ये है, ऐसे तो आप बोलोगे 100 वाला 99 हो गया तो सेल कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है सर हितेश पटेल, ऐसे नहीं करना है। 100 वाला 70 होगा तो सेल करना है, प्रीमियम टूटना भी तो चाहिए। 10 रुपया प्रीमियम गिरना, इट इज नॉट कॉल्ड प्रीमियम फॉल, एटलीस्ट 20% तो फॉल होना चाहिए प्रीमियम। हाँ मिस्टर कीर्ति दोषी, करेक्ट, 20% तो प्रीमियम गिरे तभी कोई बड़ा सेलर आएगा ना। 150 वाला 120 हो रहा है, इसका मतलब 20% प्रीमियम टूट रहा है। प्लीज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड सिंपल लॉजिक, परसेंटेज टर्म्स में प्रीमियम देखो पहले, दिख रहा है क्या मिस्टर रितेश पटेल? परसेंटेज टर्म्स में 50 रुपए वाला 30 हो रहा है तो 40% प्रीमियम टूटा है, तो कोई बड़ा सेलर आया है, यस और नो? आया है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एकदम सिंपल लॉजिक है, करेक्ट है? कुछ समझ में आया? सी आई अंडरस्टैंड, स्ट्रेटेजी आपके लिए कंप्लीटली नया है, आधे घंटे के वेबिनार में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा या थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट प्लीज ट्राई टू लर्न दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्ट्रैटेजी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, एंड इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नो नो नॉट नीडेड, बेटर यू फॉलो स्टॉप लॉस मिस्टर कीर्ति जोशी। स्टॉप लॉस और टारगेट एकदम क्लियर है, स्टॉप लॉस टारगेट मैंने आपको दिया है तो वही आपको फॉलो कर, करेक्ट? बट ये स्ट्रैटेजी आपको एक्सपायरी डे के दिन 2:30 बजे 3 बजे बहुत काम आएगा। आप 50 रुपए में ऑप्शन सेल करके 0 में कवर करोगे, ऐसा आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। मिस्टर आंसर, मिस्टर दिव्य निवार, यस और नो? एक्सपायरी डे के दिन 2:30 बजे 3 बजे ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाला है। 100 वाला 70 हुआ तो 70 वाला 0 होगा एंड यू विल मेक वेरी गुड प्रॉफिट।
अरे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ट्रेड आपको 1 बजे बाद ही लेना है मिस्टर आंसर, खुशी के मारे टाइमिंग चेंज मत करो मिस्टर आंसर, खुशी के मारे स्ट्रेटजी का टाइमिंग चेंज मत करो, ट्रेड आपको 1 बजे के बाद ही लेना है। बट 2:30 बजे भी आपको कुछ ट्रेड ऐसे मिलेंगे। देखो वापस मैं पूछ रहा हूँ, चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। 2:30 को प्रीमियम था 105 या 103, ठीक है। 2:45 PM को प्रीमियम हो गया 71, सेल कर सकता हूं क्या? प्लीज रिप्लाई, सेल कर सकता हूं ना मैं, यस और नो? ट्रेड एग्जीक्यूशन मेरा 1 बजे के बाद ही तो है, समझ में आ रहा है? 3:15 को ये हो गया 10 रुपया, पैसा आएगा क्या? प्लीज रिप्लाई, पैसा आएगा क्या? समझ में आ रहा है एग्जाम्पल मिस्टर रितेश पटेल? नाउ इट इज क्लियर लिटिल बिट? मजा आया आज के लर्निंग वेबिनार में? आज के लर्निंग वेबिनार में मजा आया? ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, अलग टॉपिक रहेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा, ठीक है। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। करेक्ट, 1:30 वी हैव टेकन ट्रेड बट एट 2 वी सी अनदर स्ट्राइक प्राइस, कैन वी सेल दैट? आंसर इज यस। यस, 1 बजे आपने ट्रेड लिया, 2:30 बजे आपको दूसरा स्ट्राइक प्राइस भी मिल रहा है, उसमें भी ट्रेड ले सकते हो। आंसर इज यस, करेक्ट। समझ में आ रहा है? सी, कई बार जरूरी नहीं कि आपको 1 बजे ट्रेड मिलेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 2 बजे बाद ट्रेड मिलता है। जरूरी नहीं कि आपको 1:30 को ही ट्रेड मिलेगा। बेसिकली बहती गंगा में हाथ धोना है, बेसिकली बहती गंगा में हाथ धोना है, या हाँ जो भी आप बोलो, लेकिन लॉजिक स्ट्रैटेजी समझ में आया वो खाली मुझे बता दो बस, ठीक है। मैं तो 1.5 महीने से कर रहा हूं, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, और ये चीज मैंने कैप्चर की है, 2-3 बार मैंने कैप्चर की है। 70 वाला मैंने 0 में काटा है, 0 में काटा है, और वो भी हार्डली आधे घंटे में, हार्डली आधे घंटे में 70 रुपये वाला 0 में काटा है। हालांकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं किया, 3 ही लॉट किया, लेकिन यही मैं 1000 क्वांटिटी करके भी कर सकता हूँ। नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये अब कॉन्फिडेंस है कि 1000 क्वांटिटी करके भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्लियर एकदम, ठीक है। यस, सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, लर्निंग वेबिनार। आई होप ऑल ऑफ यू विल अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स, ठीक है। मेंटरशिप वेबिनार्स में आपको ऐसे और भी वेबिनार्स मिलते रहेंगे। एवरी मंथ हम लोग 2 से 3 लर्निंग वेबिनार प्लान कर रहे हैं, ठीक है। 1 or 2 days टेक ट्रेड, मैं 1 हफ्ते तक आपको लाइव ट्रेड दूंगा, डोंट वरी मिस्टर देवेनेवाल। लाइव वेबिनार में, आफ्टरनून वेबिनार में 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक मैं आपको बताऊंगा ये ट्रेड एप्लीकेशन, ये स्ट्रेटजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डोंट वरी, ठीक है। यस, ठीक है। तो मेंटरशिप वेबिनार अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये लर्निंग वेबिनार जो हम लोग ने ऐड किए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना फीडबैक बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करना, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना ये मेंटरशिप वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग द वेबिनार, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग। हमारा जो लाइव मार्केट वेबिनार है, मंडे को मिलते हैं मॉर्निंग में 9:30।